करके भेज देना। देखो बाबू, सर दू गो बर्ड मीनिंग आपको बाबू, क्या बाबू डेली दो बर्ड मीनिंग देते हैं ना, तो हम लोग 48 तक पहुंच गए, एक साल में हम लोग 500-600 वर्ड मीनिंग पहुंच जाएंगे, है ना। दो गो के हिसाब से बाबू, है ना बाबू, 365 दिन होता है ना जी, क्लास वाला छुट्टी उट्टी मिला के 500-600 मीनिंग हो जाएगा। रॉजिंग है, स्पेल माउंट है ना। रॉजिंग मीन्स क्या होता है बाबू, जैसे अभी आपको कोई कहा जाए बाबू कि चलो पटाखा छोड़ने के लिए, तो आप में क्या आएगा, एक क्या आएगा, एक्साइटमेंट आएगा, है ना, उत्साह आएगा आप में, क्या आएगा, उत्साह आएगा, है ना। अभी आपको कहा चलो पटाखा छोड़ने के लिए तुरंत तुरंत तैयार हो जाओगे ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉजिंग कहते हैं, जो एक्साइटमेंट आपके अंदर जनरेट होगा, है ना बाबू, है ना, खेलने करने चलेंगे तो पढ़ाई, अब मैंने जैसे अभी आपको छुट्टी दे दिया जाए तो आपको अंदर से क्या आएगा, एक एक्साइटमेंट आया, हमको पढ़ने से छुटकारा मिल गया, है ना, तो वही आपका क्या होगा, चलेगा। होगा, है ना। स्पेल बाबू जाते बाबू, है ना, हेप्टोन है, ये हेप्टोन हेप्टोनाइज करना, है ना, जैसे कोई है ना, ये जाते हो साधु संत ही जाते हैं ना, है ना, झाड़ फूकने वाला, कोई तबियत खराब हो तो जाके ऐसे करता है ना, भोरवार सदस्य है ना, तो किसी को क्या करता है, हेप्नोटाइज कर लेता है ना, मैंने अपने बस में कर लेता, मतलब क्या किया, मंत्र मुग्ध किया, क्या किया, मंत्र मुग्ध दिया, है ना। तो स्पेल बाउंड मीन्स क्या होता है, मंत्र मुग्ध होता है ना। ये सब वर्ड मीनिंग आपको याद रखना है ना, याद रखना, पूछेंगे, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक अब वीडियो ऑन कीजिए जी, आगे क्या बाबू, आपको क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में बाबू मेरे, है ना, देखो इसमें क्या बाबू, आपको एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, यही निकालने का रहा। तो कैसे निकालोगे सर, तो आपको बोले थे कर बाबू के, है ना, कहीं भी बाबू, है ना, याद रखना बाबू, है ना, कि अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या करेंगे, सेम करेंगे, है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, तो नीचे क्या है, पावर है ना जी, और नीचे में क्या है, बेस है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 243 है, तो 243 को भी क्या बनाओ, 7 बना दो। आपको कल क्या बोले थे कि बाबू पावर को इक्वेट तभी करेंगे, पावर इक्वल तभी होगा जब बेस क्या होगा, सेम होगा, 2 के पावर 3 बराबर 8 है, तो 2 x बराबर यहाँ पे 1 है, तो x बराबर क्या करोगे, 1 करोगे, गलत हो जाएगा, है ना। क्यों सर, हमको बाबू पावर तभी इक्वल होगा जब बेस क्या होगा, सेम होगा, तो अगर बेस सेम नहीं रहेगा तो उसको क्या करो, फैक्टराइज करके क्या करो, बेस सेम करो, जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे में बेस क्या है, अलग अलग है, सारे क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, सेम करना है, ठीक। तो देखो शैतान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, मन से पढ़ना, लक्ष्मी कहाँ घूम रही बाबू, फिर अबरी इसको लिखिए, बहुत पिटेंगे लक्ष्मी, एक जगह बैठिए आराम से, खाली मोबाइल लेके घूमते रहती है, मानी तो बाबू बहुत गुस्सा आता है आप पे, ठीक। तो यहाँ 7 है सर, यहाँ 243 है, तो 243 को 7 बनाओ ना, 7 को हम लोग, है ना, ज्यादा कम से ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन ज्यादा से तो कम बना सकते हैं, तो 243 को इधर क्या करो, फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करो बाबू, इसको डिवाइड करो, तो पहले 7 से डिवाइड करोगे, तो ये 7 से करोगे तो कितने टाइम में होगा, 3, है ना, और कितना हो जाएगा, 243 को डिवाइड करोगे भोला, तो नहीं डिवाइड होगा जी, है ना, होगा सर, नहीं होगा नहीं भोला, 43 होगा। 24 को सर, 24 को एक बार करके देखिए तो नहीं यहाँ पे करेक्ट कर लो बाबू, ये 243 नहीं, 343 होगा। 343 यहाँ करो तब होगा, नहीं तो 243 रहेगा तब तो बन भी नहीं। क्यों होता है सर 343? 5 कर दिया सर। अच्छा शांत रहो, वो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, 243 रहेगा, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3। अच्छा हल्ला मत करो, 3 कितना रहेगा, इसको एक अभी वीडियो ऑन कीजिए जी, 24 से निकाल लेते थे भाई। सर वो 3 से हो जाएगा सर, 243। अरे 2 फुट, तो हमको यहाँ 7 लाना है, बेस में 3 नहीं लाना है, 3 नहीं लाना है, कितना लाना है, 7 लाना है हमको मेरा यहाँ, फोन लॉक कर रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ 7 लाना है ना, तो 3 4, यहाँ 243 के जगह 343 लिखो, क्या लिखो, 343, तो अब करोगे तो 4 टाइम में कितना होगा, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर इसको 7 टाइम में डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा, मतलब क्या सर, 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं, यही लिख सर, एक्स, यार आलोक शैतान म्यूट करो, 7 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7, 343 को क्या लिख सकते हो, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते, था नेक्स्ट 7 के पावर 1, 7 × 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर 3, है ना। अब आपका क्या हो गया, बेस सेम हो गया, अब आपका नीचे में 7 बेस सेम हो गया, तभी पावर क्या होगा, इक्वल होगा, जब तक बेस सेम नहीं करोगे पावर इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ नीचे नीचे वाला सेम हो गया ना, हाँ सर, तब अब आपका पावर क्या होगा, इक्वल होगा,
इसलिए कितना होगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट समझना, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर से आगे सुनना, शांति से सुनना, है ना, शांति से सुनना, मन से सुनना। सुरभि या परी? परी कहाँ गई जी? हाँ परी, अब परी सुरभि परी, यस अब मन से सुनना। हाँ यहाँ पे क्या बुक एम की वैल्यू फाइंड आउट करो, 2/3 के पावर -3, 2/3 के पावर 8, 4/9 के पावर, वैल्यू फाइंड आउट करो, करो लक्ष्मी, शांति से सुनना, एम फाइंड आउट। और क्या क्या है, 4/9, तो इसको भी क्या कर करवा दी सकते पर सर सुरभि का आपका सुरभि ठीक है। देखो यहाँ 2/3 के पावर -3 है, 2/3 के पावर 8 है, 4/9 के पावर, ठीक। तो अब यहाँ से कह रहा है एम की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ तो 2/3 है सर, यहाँ 2/3, यहाँ 2/3 नहीं है ना, तो इसको भी 2/3 बनाओ, इसको भी क्या करो, 2/3 बनाओ। तो जैसे इसको 2/3 बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। तो ये 2/3 है, ये 2/3, ये तो नहीं है, तो इसको 2/3 कैसे बनाओगे? तो देखो ऐसे बनाना, कैसे बनाना, ऐसे बनाना, शांति से सुनो, लिखना नहीं है जे, 2/3 यहाँ तो है सर, तो देखो शांति से समझो, यहाँ पे ये दोनों क्या है, बेस सेम है ना, 2/3, 2/3 है ना, तो बेस सेम है, अब मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 के पावर -3 और +8 ऐसे लिखेंगे, है ना, बराबर यहाँ 2/3, तो इसको भी 2/3 बनाते, कैसे बनेगा, 4 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को लिखेंगे ना 2 मल्टीप्लाई 2, 9 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझना, अभी इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं ना, 162 को मिटाते हैं, ठीक, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट बाबू। अब देखो 2/3 है ना, -3 + 5, मम्मी कितना पढ़ाई थी बचपन में, 5, -3 + 8 कितना, 5 हो जाएगा, बचपन में पढ़ाई, -3 + 5 + 8 कितना, 5, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 बार है तो 2 के पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बार है तो 3 के पावर 2 के पावर m, यही है ना। हाँ सर, कुछ नहीं करना, शांति से समझते चलना, नेक्स्ट बाबू, बस हो गया खत्म। 2/3 के पावर 5, यहाँ भी 2/3 है, अब पावर क्या है, सेम है, ये 2 के पावर 2 है, 3 के भी पावर 2 है, क्या 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे है सर, 2/3, ये दोनों पे पावर सेम है ना जी, तो 2/3 एक बार लिखो, इसका पावर 2 दे दो, अरे यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है ना, तो पावर सेम है, तो 2/3 को एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट के ऊपर पावर दे देंगे, ऊपर में जो एम है उसको लिखिए दो, एम वाले को रहने दो, है ना। ठीक भाई, नेक्स्ट हो गया खत्म, बस बस थोड़ा सा दर्द होगा। 2/5, अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर है, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2/3, 2 मल्टीप्लाई m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट बटो, अब काम आपका हो गया, बस बस खत्म हो गया। 2/3 है सर, 2/3 के पावर 5, नेक्स्ट 2/3 के पावर कितना, 2m। अब देखो इतना झंझट करने के बाद आपका क्या हुआ, बेस सेम हुआ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे, पावर में एक्स रहे, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड टर्म रहे, तो आपको हर हाल में किसी भी तरह से बेस को सेम करना पड़ेगा, तभी आप पावर क्या करोगे, सेम करोगे, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। ठीक, तो यहाँ 2/3, 2/3, अब बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे, तब क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे, है ना, बेस सेम है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को सेम करेंगे, मतलब क्या सर, मतलब क्या करेंगे, 5 बराबर क्या करेंगे, 2m करेंगे, है ना। ठीक सर, तो 2m को इधर भी लिख सकते हैं,
2m बराबर कितना, 5 है ना। फिर सर अरे इसको इधर लिख लो, इसको उधर कर दो, 2m बराबर वाले, लेकिन सर वो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से तो सर अलग होगा। नेक्स्ट बाबू, ये भी टू एम, अरे टू टू एम को इधर कर लेते हैं, 5 को उधर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना, काना इसे टच करो, इसे टच करो, टू एम को इधर सर, हर लीनियर इक्वेशन सर, या मेरे को ये डाउट है कि आपने जो 2m है और 5 = 2 है, तो आपने उसको पलट कैसे दिया कि वो 2m आगे आगे राइट साइड है और वो 5 लेफ्ट साइड आ गया। ये ऐसा हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्स बराबर बाई है तो बाई बराबर हम लोग एक्स भी लिखते हैं, ऐसा करने से चेंज नहीं होता, लेफ्ट लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट करने से मेरा वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। अनइक्वल है ना सर, तो कैसे पलट जाएगा? इक्वल कहाँ जी, बीच में इक्वल टू साइन मतलब 2m बराबर 5 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 बराबर 2m है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m बराबर 5, ऐसे करने से गलत नहीं होता, सेम ही रहता है। सर यानी कि अगर 5 = x, सर हम लोग उसको x = 5 लिख सकते हैं। हाँ, हाँ 5 = x है तो x बराबर 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दोनों सेम ही चीज है, दोनों क्या है, सेम ही चीज है ना, सेम बात है दोनों, ठीक। 5 = 2 है, लेकिन आपने उसको शिफ्ट के साथ माइनस का साइन क्यों नहीं दिया जब वो LHS से RHS में जा रहा है तो? दोनों को हम शिफ्ट किया ना, दोनों मान लो इसको इधर लाओगे तो इसमें भी माइनस दोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो इसको भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ओह सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं सर। ये इधर आ गया, RHS LHS में आ गया, ये LHS RHS में चल गया, कंफ्यूजन हो गया, माइनस किया था इसलिए। 2 बराबर x है बाबू तो इसको हम लोग x बराबर 2 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होता है, गलत नहीं होता है ना, तो 5 बराबर 2m तो 2m बराबर 5 भी लिख सकते हैं। अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई में है तो इसको m बराबर क्या लिखेंगे, 5 होगा, 2 इधर चल जाएगा, 2 क्या जाएगा, 5 के नीचे आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, एम की वैल्यू निकालने का, एम की वैल्यू हो गया 5/2। मैंने तो सर 2 1/2 लिखा है सर, 2 होल 1/2। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो, लिखो जी, लिखिए लक्ष्मी, लिखो रोशनी बाबू, जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए, सर वो मेरे को जो 160 वाला नंबर है ना, वो थोड़ा मतलब उसको फैक्टराइज करना है क्या, जो राइट हैंड साइड है RHS साइड? हाँ बेस राइट साइड को भी बेस 7 बनाना, तो 7 कैसे बना, सर 343 को फैक्टराइज करके बनाइए, को बगल में जो फैक्टराइजेशन किया वो करना है साइड हाँ वो भी लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, होमवर्क में सर। मैं वो होमवर्क सही किया बाबू, जी सर, तो भेजे बाबू सही करके, अच्छी गया बात है, आज कौन कौन अपसेट है जी अटेंडेंस में बाबू, किस्ता नहीं है, सर। आरा तनु है, आरब है, रौनक है, राजनंदिनी है, नैतिक है, लक्ष्मी है, स्वाति है, कहाँ गई कछुआ, कछुआ तो आई थी जी, भाग गई, कहाँ कहाँ कछुआ, तबीयत खराब है जी, एक कछुआ तबीयत खराब है बाबू, स्वाति सर तबीयत खराब नहीं है सर, बस सर्दी हो गया। सर तो शादी हो गया बाबू, तो दिमाग नाक में ना सर्दी हुआ, दिमाग में थोड़ी हुआ जी, बैठ के लिखिए, शैतान आलस बरते हुए है। आलस नहीं कर रहे हो सर, मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है इसीलिए। अंकुश है, राजदीप आया है, राजदीप था बाबू, राजदीप है, राजदीप सर आप अपना संकल्प है, निखिल टाटा नगर, निखिल कहाँ है जी, निखिल नहीं है ना, सर आप अपना एक जोकिंग क्लास क्लास रख लीजिए जिसमें सब हंसते रहेगा। सर निखिल आज नहीं आया है, निखिल मेरा सर लिख दिया ना सर, मैं लीव हो गया था ऐसा, अच्छा स्विच। मुद्रा डॉक कीजिए बाबू, निखिल नहीं आज है, क्रिकेट खेलने गया वैसे तो, अंशिका राज, अदिति, वैष्णवी, सुरभि, परी,
मयंक, आपका भी नाम चढ़ा देते हैं असु। ठीक है बोला। हाँ सर। बाबू असु, कहाँ से बोलो? सोसराय से बाबू। यस सर। सर हाँ जी, मैं 28, 29 और 30 को एब्सेंट रहूंगी। तालनी भी नहीं है, 3-4 गुनी है जी। जल्दी लिखिए। सर सर मैं 28, 29 और 30 को एब्सेंट रहूंगी। करो, टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी लिखिए, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है बाबू। सर मैं 11 एड्रेस रहूं। करके रखा है, देखिए आधा घंटा तो बीत गया। सर मैंने अभी बता दिया है, बाद में मत बोलिएगा कि बेमतलब का छुट्टी मार दी है। यस लिख ली लक्ष्मी, ए भोली। चलो सर। ठीक है, इरेज करते हैं। सर देखिए कितने लोग हैंड रेस किए हैं। वैसे अच्छा ठीक है, जल्दी आपकी एक आपकी है। बगल करो, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 162 नंबर। सब इतना हल्ला करता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। 162 नंबर बाबू, देखो 162 नंबर बाबू, सही कर लो थोड़ा सा, है ना। 162, वहां पे शायद 1/3 पका हुआ ये होगा। हाँ बाबू वहां पे सही कर लो। कितना है बाबू? 1/9 है के पावर -4 है, मल्टीप्लाई। सर 1/3। 1/27 है के पावर -6 है, बराबर। इधर 1/3 है। 1/3 के पावर क्या कर दो? 1 कर दो। यहाँ पे जो 4 है उसको 3 कर दो, नहीं तो 9 बना दो, है ना। ठीक, देखो कैसे करना, इसको समझना। पावर 1/3, यहाँ 4 आप लोग को लिखा गया ना, कि 9 लिखा है उसको। 9 है तो ठीक, 9 भी लेके करोगे आपका आ जाएगा, वहां 3 कर दो। फोर लिखवाए हैं सर, हाँ नाइन तो लिख सकते हैं सर, 9 हम लिख सकते हैं ताकि वो कैंसिलेशन भी हो जाएगा। दिखता है सर वहां पे 3 नहीं लिखा हुआ है सर, 4 लिखा हुआ है सर। उसको 3 कर लो भोला। 4 लिखा उसको 3 कीजिए तब बनेगा, नहीं तो 4 से क्यों, मतलब 4 ऐसा क्यों आपने हटाया उसको, क्यों 4 को। क्यों? इस 9 को 4 के टर्म में नहीं टूटेगा, 27 का भी 4 के टर्म में नहीं टूटेगा, लेकिन 27 आपका 3 के टर्म में टूटेगा। शांति से हाँ समझो, सर ये तीनों 3 के टेबल से ही तो रिलेटेड। देखो हम अब शांति समझना, लिखना बाद में, है ना। लिखना बाद, यार ना वीडियो ऑन करो जी, ठीक, बाद में लिखेगा, पहले समझो शांति से। देखो यहाँ 1/9 है, यहाँ 1/27 है, 1/3 है ना, तो सारे का बेस अलग अलग है, इसमें तीनों का बेस क्या अलग अलग है। तो आप कोशिश करो सारे को एक बेस पे लाने में, मतलब सारे में जो बेस वैल्यू नीचे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप पावर का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 1/3, 1/27, 1/9 है, ठीक। तो 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 1/3 मल्टीप्लाई 3 के पावर -4। किसी को दिक्कत नहीं। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि बाबू यहाँ पे 27 है, यहाँ बेस 3 है, तो सारे को 3। 27 को कैसे 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे, है ना, के पावर कितना करोगे? -6 करोगे। और यहाँ क्या करोगे? 1/3 के पावर कितना करोगे? 1 करोगे, ठीक। नेक्स्ट, जब तक बेस इक्वल नहीं करोगे आपका वैल्यू नहीं आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट समझना, अब 1/3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 दो बार है, तो 3 के पावर कितना करेंगे? 2 करेंगे, -4 करेंगे, मल्टीप्लाई 1/3 3 बार है तो क्या करेंगे? 3 के पावर 3 करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई -6 करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये 1 के पावर 2 नहीं आ सकता ऊपर, 1 में 2 नहीं आ सकता और 1 में 3 नहीं आ सकता। सकता आ सकता है,
तो सर डाल दीजिए ना। अच्छा ठीक, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट समझो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, 1/3 ऐसा था, 1/3 रह देंगे, 1/3 रह देंगे, है सर ना। मैंने 3 ठो 1 लिखा है, सर 3 1 लिखा है मैंने ऊपर। अच्छी बात है। देखो 1/3 के पावर 2 है और 3 का पावर 3 है ना, तो ये पावर को बाबू आप होल नंबर पे में ही लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? मान लो भोला 1 के पावर, बाबू इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, 1/3 के पावर 2, शांति समझना, मल्टीप्लाई, -4 है, -4 कर दिए। अभी आप लोग तेज हो जाओगे ना तो एक के लाइन में कर देंगे, 3 के पावर 3 -6 आए सर, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो 1 पे कितना हो पावर बैठाओगे, आपका क्या होगा आंसर चेंज नहीं होगा, 1 पे कितना हो पावर बैठाएंगे वही रहेगा। ठीक, 1 पे 3, तो यहाँ 1 के पावर अगर 3 भी बैठा देंगे तो मेरा 1 के पावर 3 1 ही ना होगा। ठीक सर, ऐसा करने से आपको एक रास्ता थोड़ा सा मिल जाता है, कैसे मिल जाता है शांति से समझना, ए हो गया। नेक्स्ट बाबू, 1/3 है तो 1 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं पावर में। कैसे सर? 1/3 के पावर 2, अरे ये दोनों नंबर पे सेम पावर है ना, तो दोनों नंबर को एक बार लिख लो, अब ब्रैकेट में क्या करो, ब्रैकेट दे के पावर 2 कर दो। आई पावर -4 है, जिसको भूलेगा नहीं, भूलना नहीं है, इसको भी साथ साथ लेके चलना -4 को। नेक्स्ट, 1/3 है, ठीक, तो ये 1 के पावर 3, 3 के पावर 3, तो इसको हम लोग एक बार पावर में, है ना, दोनों नंबर पे पावर है ना, सेम पावर है, तो इसको एक बार पावर लिख सकते हो। पावर -6 है, उसको तो लेके चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 के पावर a हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझना, आगे समझो। 1/3 का अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई कितना, -4, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 1/3, पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना होगा, -6 हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट बाबू, 1/3 के पावर कितना होगा, a हो जाएगा। नेक्स्ट समझना, 1/3, 2 मल्टीप्लाई -4, बचपने में पढ़ा है LKG वाला में, जिसको दिक्कत है 8 हो जाओ, 2 मल्टीप्लाई -4 कितना, -8, 1/3, 3 मल्टीप्लाई -6 कितना, -18, बराबर कितना, 1/3 के पावर a। शांति से खाली सुनते चलना, लिखना, लिखने का टाइम देंगे। नेक्स्ट, एक लाइन और इधर, एक लाइन लिख देते, हो गया खत्म बस। अब बेस सेम है सर, 1/3 1/3 बेस सेम है ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बेस यहाँ पे सेम ना है सर, अब पावर है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐड हो जाएगा, मतलब 1/3 -8 + -18, ये दोनों ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, -8 + -18, बेस सेम में रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, इधर 1/3 तो इधर 1/3 लिख देंगे। नेक्स्ट, 1/3 हो गया खत्म बस, अब कुछ नहीं करना। -8 और -18 कितना, -26, बचपने में सिखाया था, -8 और -18 कितना, 18 18 वाट कितना, 26, और माइनस माइनस है ना तो माइनस लगा दो, तो -26 बराबर 1/3 का पावर कितना, a। अब इतना आप मशक्कत करने के बाद अब आपका क्या हुआ, पावर सेम हुआ, इतना मशक्कत करने के बाद अब आपका सर बेस सेम, बेस बेस सेम हो गया। हाँ सॉरी बो, देखो यहाँ पे क्या था, सारे में बेस अलग था, तो पावर को आप डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते, तो हमने बहुत सारे पापड़ बेले तब जाके मेरा बेस इक्वल हो गया 1/3 1/3। ठीक कितने पापड़, मैंने तो एक भी नहीं खाए। है ना, अब यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तब आप लोग पावर को इक्वल कर सकते, तो इधर पावर कितना, -26 है, और इधर कितना है, a है, तो -26 = a है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? है ना, a को इधर ले आओ, ये उधर चल जाएगा, -26 = क्या, ये है, तो ए बराबर -26 हो जाएगा, है ना, सर ए बराबर। माइनस को मार दीजिए। सर पावर को इक्वेशन करना है। सर आप पावर सर को सर एक इक्वल काम कर वो जो सकते आपने बॉक्स बना दिया है लास्ट में, उसको भी बना देना है।
पावर मतलब सर एक सर बॉक्स बनाएंगे सर और एक माइनस वैल्यू माइनस 26 26 है, ए का वैल्यू ए का वैल्यू -26 होगा। जल्दी लिखिए। सर माइनस ट्वेंटी सिक्स में निकला से ऐसा माइनस को सर मार नहीं सकते नहीं बाबू, नहीं बाबू माइनस को नहीं, माइनस नहीं मार सकते, गलत हो जाएगा। सर, अगर माइनस को ए की तरफ फेंक देंगे तो प्लस बन जाएगा। नहीं जी, आपको ए की वैल्यू निकालने का रहा, माइनस ए की वैल्यू नहीं निकालने का रहा, ए को पॉजिटिव ही रखेंगे। अरना वीडियो ऑन करो जी, जल्दी लिखिए। सर DIY आज आपको पक्का भेज दूंगी आज का। लक्ष्मी कहाँ गई हमारी लक्ष्मी, इसको तो शैतान को बहुत पीटेंगे। बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आता बाबू, काव्या का नहीं आया, राजंशिका का नहीं आया, ये सब का उठा सर बैठी कर। मेरा बस 3 दिन से नहीं आ रहा है। सक्षम का तो आया राय बाबू, सक्षम फोटो क्लियर लेके भेजिएगा बाबू। सक्षम फोटो यस सर। आपका क्लियर आता नहीं है जी, कैमरा पीछे बाबू क्या गंदा रहता है, साफ करके भेजो। ओके सर। कल कोई भी मोबाइल रहेगा वो तो सारे 10,000 का भी मोबाइल। व्हाट्सएप में स्टिक क्वालिटी का ऑप्शन रहता सर। जल्दी लिखिए। मयंक बाबू फेयर करते चलना, मयंक जितना पढ़ाए इसका फेयर कंप्लीट हो जाए होना बाबू, ये तो रफ में ना लिख रहा है, इसको फेयर करना है। परी कहाँ गई, समझे सुरभि। सर हाँ बाबू बोलो, परी बाबू इसका फेयर करते चलना। मैं बस 3 दिन से ही नहीं भेज रही हूँ फेयर। लिखिए कल आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा, पूजा पाठ कल है जी, कुछ है क्या जी कल आप? सर धन धनतेरस है, धन तेरा से शॉपिंग करते हो कुछ, क्या करोगे? करेंगे, शॉपिंग। तो मैं छुट्टी दे दीजिए सर, मेरे मैं को को रंगोली रंगोली सर कल साइंस का डे है बनाना सर। सर कल साइंस का डे है, कल मत दीजिए। आज कल साइंस पढ़ा दिए होते तब तो ठीक था, पर तब मैं नहीं। डे भी लेता। मैं कल छुट्टी दे दीजिए। परसों छुटी सर सैटरडे को दे दे, सर कुछ नहीं। सर अगर आप कल छुट्टी देंगे ना तो मंडे को भी साइंस पढ़ाना पड़ेगा। नहीं। नो जल्दी लिखे, जल्दी सर लिखे। रुक जाइए। अरे अगस्ता उनमें से एक होगा ना जो छुट्टी मांग रहा है, तब सर उसको बोलिएगा क्यों वो मैथ क्यों बोला। साइंस और तो बोलता है, जल्दी लिखो, जल्दी करते। करेगा उधर भागो भाग। नेक्स्ट देखो वो आगे हमको क्या पढ़ना है। सर इससे 2 मिनट में वो नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्यूशन में। इससे रिलेटेड पहले DIY देते, फिर अगला हेडिंग आप लोग को देंगे। नहीं सर रुक जाइए सर नहीं। रुक जाइए। सर साइड वाला आंसर पूरा मत मिटाइए। सर अच्छा जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, टाइम नहीं है। DIY है इतनी जल्दी। अरे आगे पढ़ाएंगे, इसी अगले नया टॉपिक आएगा, नया टॉपिक आएगा, इसलिए हमको देना पड़ सर ये। भाई सर कूट देंगे पकड़ के, भाई सर के लिए बस है, कल धनतेरस है इसीलिए। आज कौन सा धनतेरस है जी? कल धनतेरस है तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। हाँ तो मम्मी जी को फोन कर देते, तैयारी करो कितना करती हो। मम्मी जी यहाँ कहाँ से आ गए सर। सर मेरे को रंगोली बनाना है। सर कितना लाइन छोड़ना है सर इसके बीच में कम से कम। सर आप लाइन मत छोड़ो, क्वेश्चन सीक्वेंस ऑर्डर में लिख लो, उसके बाद सॉल्व करना। सर आपके घर में भी ना सब धनतेरस कुछ पूजा फेयर होगा। सर बना तब उसके बाद लास्ट में लिखना है ये आंसर। सर लिखे इसको आप उतार लो, ये DIY सीक्वेंस ऑर्डर में लिख लीजिए।
सर आपके भी ना घर में धनतेरस होता होगा? नहीं होता, बात मत बनाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घर कहाँ है? आप DIY क्यों कर रहे अरे शैतान, हैं? यहाँ पे तो आपका घर कहाँ है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है DIY दिए है उसमें कौन से बेस को सेम करना है सर? कौन से सर दो 166 ही तक लीजिएगा। 3/5 लाना, सारे में यहाँ छोट का 3/5 है तो इसको भी 3/5 लिखो, यहाँ पे सारे को 2/3 लिखो। जो छोटा वाला बेस रहेगा उसी का चार फॉर्म मिलाना है। क्वेश्चन चार से चार क्वेश्चन लाना। सर मेरा फोन तब से लैग कर रहा है। सर अब 10 मिनट ही तो बचा है DIY देख के छुट्टी। ब्लर आ रहा है। यार सर 166 लास्ट होमवर्क। बहुत अल्लाह करता है। यस सर लास्ट है। टाइम तो हो गया। नहीं सर कौन सर सा वाला तो उसके पैसा बाद ऑफ छुट्टी करना है? वाले टाइम पे आप DIY नहीं दीजिएगा। वन सिक्सटी सिक्स में कौन सा वैल्यू फाउंड करना है? सर एक्स का ये सारे में एक्स से निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो टॉपिक है भोला, मिलता जुलता उसको समझना। इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे, अरे उसमें बहुत चैप्टर खत्म हो गया। मैं ये नहीं, इसमें थोड़ा सा और है, शर्ट्स आ गया है आपका हेडिंग भेज चैप्टर। दिया ना सर ग्रुप में। सर शर्ट्स ना हाँ बाबू, करने वाले हैं, शर्ट्स शुरू करने वाले हैं अभी। हाँ जी जल्दी लिखो। सर इसका दूसरा भाग ना पावर्स एंड शर्ट्स। हाँ इसका दूसरा पार्ट डन जल्दी। डन डन डन। सर सही में आपने कहा कि कोई भी रूप में आ जाएगा, ये एक्सपोनेंट भी आ गया इसमें। सर पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं झलक, क्या पढ़ेंगे है ना, जल्दी लिख। इसमें जरूरी है कि वेरिएबल फाइंड करना रिकॉर्डिंग मत चाहिए करिए। कि फाइंड द वैल्यू, मतलब नंबर का भी तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। नहीं आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड है का वैल्यू, नंबर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं करते क्योंकि नंबर खुद एक वैल्यू होता है। सुरभि ऑन करो बाबू, अंकुश कैमरा रोटेट करो जी, बना के कल वाला है आज वाला भेजना है लक्ष्मी, नहीं तो बाबू बहुत बेइज्जती करेंगे शैतान। जितनी अच्छी बच्ची हो उतनी खराब होते जा रही हो। मर्दी बाबू, सर मार दोगी गार्जियन को भी टीचर को भी लेकर चल जाओ, ये सब शैतान है। उसका नाम लक्ष्मी है। हाँ लक्ष्मी बाबू इसी का तो फायदा उठा रहे बाबू, जल्दी कीजिए बाबू।
दिया जाए। सर के बारे में कुछ लिखवाएंगे आप? अब शांति से समझो, समझा सर अभी आप लिखवाएंगे कि समझाएंगे? रहे, शांति से सुनो। शंकाल वीडियो ऑन करो जी। देखो आगे आपको बाबू जिंदगी में जब भी आगे जीवित रहोगे है ना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, एगो ऐसा सिंबल दिखाई देगा, एक अंदर तीन दिखाई देगा। ये जो एगो ऐसे ऐसे चम्मच टाइप का, टेढ़ा टाइप का ऐसे सिंबल दिखाई देगा और इसके अंदर कुछ नंबर दिखाई देगा, शांति समझना। रेडिकल कहते हैं। इसके अंदर ऐसे करके है ना, ये जिंदगी में नहीं देखे होगे तो आज से आपका देखना शुरू हो जाएगा है ना, देखना शुरू कर दो, शांत स्क्वायर रूट। रहो। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ जो आपका बाबू सेब बन रहा है, चाहे खाओगे ना जी, अगर यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, नहीं लिखल है, तब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, टू टू समझेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखल है तब बाय डिफॉल्ट, जैसे मान लो कोई नंबर 3 लिखल है तो इसको हम लोग +3 समझते हैं ना जी, तो अगर नहीं कुछ इस चम्मच में डाल ले तो समझो क्या है, 2 है। अगर कुछ रहेगा तो यहाँ पे 3 4 रहेगा तो मेंशन किया हो रहेगा। इसको पढ़ोगे कैसे, 2 है, इसको रेडिकल साइन, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 है, इरेशनल नंबर सर। अल्लाह मत करो, 2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, √3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ये पहले 3 है, इसको हम लोग 2 है ना, तो यहाँ √ पढ़ेंगे। 2 को क्या पढ़ेंगे, √, ये 2 क्या गया, स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना जी किसी भी नंबर का, जैसे ये 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया है ना, 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी के आगे बाबू ऐसे जयमाला टाइप का पहना दो इसको, ये क्या हो गया, √3 हो गया है ना। ठीक, इसको क्या कहेंगे, √ कहेंगे, यहाँ 3 रहेगा तो √ कहेंगे, क्या कहेंगे, √, किसका कहेंगे, 4 का, √4 हो गया है ना, 4 हो गया। तो ये सब आपको आगे दिखाई देगा भविष्य में, जब भी आप हायर क्लासेस में, को ऐसे पढ़ते हैं 4 क्यूब रूट्स 2 3। ठीक है, बताएंगे सारा बताएंगे। ये 16 है तो यहाँ नहीं ना कुछ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, √16, √16 स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ना। तो ये सिंबल क्या होगा, अगर यहाँ नहीं कुछ है तो 2 है, तो क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तो √16। ये क्यूब है तो √3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट का, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, तो इसको क्या आएगा, रूट आएगा, √ रूट आएगा। तो √4, ये क्या हो गया, यहाँ 2 है तो √3, √3 है ना, √3 हो जाएगा है ना। 4 5 रहेगा तो है ना, जैसे यहाँ 5 रह गया, यहाँ 6 रह गया, तो √5 हो जाएगा, ये √ हो गया तो 5th में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन √6 हो जाएगा है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हो है ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट की जगह क्या कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं, तो √3 अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो क्या कहेंगे, √3। तो भविष्य में आपको ऐसा का चम्मच में है ना, चम्मच वाला ऐसा ऐसा बहुत सारा शेप दिखाई देगा, तो इससे डरना नहीं है, इसी का क्या है, थोड़ा सा है ना बड़ा रूप है ना, इसी से थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा, तो आपको ये सबसे डरना नहीं है। कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, ये सर जब ये वाला सीख लेंगे तब अब रूट रहेंगे आपको हम लोग एंट्री करेंगे, ज्योमेट्री में पढ़ा देंगे। ठीक, सर। रूट मुझे सच में सही समझ में आता। परसेंटेज पढ़ा दे, परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो परसेंटेज पढ़ा देंगे, और उसके बाद ज्योमेट्री वाला सेक्शन छूट रहा है, ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे, तो 1-2 महीना ज्योमेट्री चलेगा है ना, लाइन सेगमेंट ये सब चलेगा, ठीक है ना। तो पहले इसको हम लोग, ठीक वापस से है ना, इसको पहले सीख लेंगे। क्यों सर, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व करे चलेंगे तो उसमें आपको ये सब चम्मच वाला दिखाई देगा, ये जो चम्मच वाला नंबर है तो दिखाई देगा, तो इसका वैल्यू जानेगा तब ना दिखाई देगा जी, तो इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, तो अभी आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इतना पढ़ लेते हो तो आप किसी से भी बेसिक, हम आराम से कोई भी चैप्टर आपको अब पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये बेसिक कंप्लीट नॉलेज है साल भर का, लगभग +- से लेकर है ना, जिसमें अलजेब्रा वगैरह, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सब सीखेंगे, ये वाला। इसका होमवर्क जो जो नहीं बना के भेजोगे अगला क्लास सर, से, आपका यानी कि सर आप वापस से एरिया पेरिमीटर और वॉल्यूम पढ़ाएंगे? ज्योमेट्री, एरिया पेरीमीटर नहीं, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन वगैरह, सर सब चीज आप वापस से बनाएंगे पढ़ाएंगे तो फिर एरिया पेरिमीटर भी? अच्छा हाँ जी, अल्लाह करे। एक्सक्यूज सर, मेरे को एक काम है। ओके सर, अगर हम क्यूब रूट के लिए कोई अलग सिंबल होता है और अगर वो नंबर नहीं है तो हम वो क्यूब रूट कैसे समझेंगे? क्यूब रूट के लिए कोई ऐसा होता है हाँ कि सर, कोई नंबर ना हो तो?